सीटेट है जेटेट, बहुत पास करके बैठा वालों, मेरे यहाँ 50,000 का वैकेंसी है, वो लोग 5 लाख हैं। तो जो हमको मानना है, बहुत लोग जानकारी है, लेकिन हमको जो मानना है, पूरे देश से लोग आ जाएंगे और झारखंड के लोग पिछड़ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हैशटैग भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, जिनसे आज हम कुछ अहम मुद्दों पर बात करेंगे जिसे लेकर के जनता काफ़ी परेशान है, और खास करके राज्य के युवा। से जिस तरीके से राज्य में देखा जा रहा है कि सीटेट के अभ्यर्थी है या जैप के अभ्यर्थी है, लगातार आपके आवाज़ आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के पास भी जा रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जो सीटेट है जेटेट, बहुत पास करके बैठा वालों, मेरे यहाँ 50,000 का वैकेंसी है, वो लोग 5 लाख हैं, अपना मांग लेके आते हैं। हम लोग 50,000 बहाल के लिए हम लोग क्लियर कर दिए हैं कि 1-2 महीना के अंदर सारा टीचर बहाल कर देंगे, पद सृजन कर दिए हैं, कैबिनेट पास कर दिया है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन आएगा तो 85,000, 5 लाख तो आएगा नहीं। सी टेट के बारे में, अभी जिस के लिए झारखंड बना है, यदि हम सी टेट ले लेंगे तो जो हमको मानना है, बहुत लोग जानकारी है, लेकिन हमको जो मानना है, पूरे देश से लोग आ जाएंगे और झारखंड के लोग पिछड़ जाएंगे, इसलिए उसको शामिल नहीं किया। जब 1932 का पूरा फाइनल गजट निकल जाएगा, हम लोग ले लेंगे, झारखंड का है तो कहाँ दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। आपने 1932 की बात कही, लेकिन इसमें लग रहा है कि काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि लगभग अब 1 महीने हो गए, अभी तक कुछ वैसी बात सामने आ नहीं रही है कि कब तक गजट पास होगा। ऐसा है ना, कुछ नियम है, ये नियम है, कैबिनेट में आया है, सदन जाएगा, सदन में चर्चा होगा, चर्चा के बाद महामहिम के यहाँ जाएगा, तब ना गजट बनेगा। हम चिट्ठी थोड़ी बना देंगे कि हो गया 1932, जो नियम है नियम के अनुसार जाएगा, और हो सके आज, यदि अभी आपका मानसून सत्र पार हो गया, शीतकालीन सत्र आने वाला है, उसमें पास हो जाएगा, महामहिम के यहाँ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब आपका कहना कि अभी इन अभ्यर्थियों को पहले अपनी चीज़ें पास होने से पहले अब 1932 खतियान का इंतज़ार करना हो? जरूर, देखिए, अलग राज्य इसलिए बना है, उसको यदि लाभ नहीं होगा, हमको जो मानना है कि पूरे देश में सीटेट है, सेंट्रल का चीज़ है, देश के लोग आ जाएंगे तो लोग पिछड़ जाएगा, अलग राज्य से क्या मतलब, क्या माने मतलब। हमको जो मानना है, बहुत लोग अपने अपने तरह से ऐसी बात करते हैं, हमको जो मानना ये बात है, हम उसको छांट नहीं रहे, उसको भी लेंगे, लेकिन जो स्थानीय नीति तय हो जाएगा ले लेंगे। लेकिन अगर ये तो सीटेट और शिक्षकों की बात हुई, काफ़ी अभ्यर्थी है, जैसे पंचायत सचिव की अगर बात करें, जैप की अभ्यर्थी है जो पिछले 7 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनको किस बात का इंतज़ार करना? जैप क्लियर नहीं हो, बताइए। झारखंड सुरक्षा बल के जो लोग हैं वो पिछले 7 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी भी बहाली हो। हम तो अपने विषय की बात करेंगे, लेकिन लोग मेरे पास आते हैं, उसको प्रयास करते हैं। ये हमारे रघुवर जी ऐसा काम करके गए हैं, इतना मैंने उसको जंग लगा दिया है, छोड़ाने में लोग समय बीत रहा, क्लियर नहीं है। जैसे झारखंड आपका जो पुलिस का बहाल करके चल गया, कहीं कहीं कुछ अता पता नहीं, उसको कर कम से कम पेपर तो तैयार करके देना चाहिए, करके उस पर है। पंचायत सचिव का मामला है, अभी धरना पर बैठा है लोग, उन बात कर रहे हैं, कृषि विभाग का है, सब जगह मैंने एकदम करके रख दिया, हम लोग उस पर एक एक करके फसल ले रहे हैं, पराठी जर का फसला लिए, आंगनबाड़ी का फसला लिए, अभी रसोई का फसल लेने जा रहे हैं, एक एक करके सारा समस्या हम लोग हल करेंगे।
तो देख सकते हैं आप, ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी, जिन्होंने कहा है कि एक एक करके जितने भी समस्याएं राज्य में अभी चल रही है उसे सरकार हल करने की कोशिश कर रही है। वहीं अभी सीटेट के बारे में भी इन्होंने कहा है कि अब जल्द ही राज्य में 1932 खतियान लागू होने वाले हैं और इसके बाद ही जो है सभी अभ्यर्थियों के उसके आधार पर चयन किया जाना है। तो फिलहाल अब देखना होगा कि राज्य में 1932 खतियान कब तक लागू होते हैं और उसके बाद यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं कब तक उनकी मांग पूरी होती है। तब तक के लिए बने रहे हैशटैग भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ रांची से मैं कीर्ति सिंह।